दोस्तों, यदि आप दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के एप्लीकेशन फॉर्म को करने जा रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल के फॉर्म को आपको भरना है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसमें हम लोग मेन मेन टॉपिक को लिए, जैसे कि आपको यदि एनसीसी पास है तो क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, यदि आप इंटर से ऊपर पढ़े लिखे हैं कौन से डिवीज़न में कितना आपको छूट मिलता है, कितना आपको इंसेंटिव मार्क्स मिलता है, इसके अलावा क्या चीज़ में आपको छूट मिलता है, क्या चीज़ किए हुए हैं आप, तो इसके अलावा सिलेबस क्या होने वाला है, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आपको एग्जामिनेशन, कितने ड्यूरेशन के होने वाले हैं, तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने बताया है। तो चलते हैं, आपको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 17 मई से लेकर के 16 जून के बीच में इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आप कर सकते हैं। यदि आपको हेड कॉन्स्टेबल यानी कि जो इंटर स्तरीय है उसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है तो आपको 16 जून से पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कर लेनी है, उसके बाद इसके लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर वन में 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि आप इंटर पास हो या उसके समकक्ष जो डिग्री है वह आप पास होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें क्या लिखा हुआ, नंबर टू में प्रोफेशनल जो आपके पास होनी चाहिए स्किल वो है आपको टाइपिंग का, स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड मिनट, और लगा हुआ है दोनों में या लगा हुआ है, या तो आप ये या तो ये। यदि आपको अंग्रेजी टाइपिंग ढंग से आती है तो 30 वर्ड पर मिनट, यदि आपको हिंदी ढंग से आती है तो 25 वर्ड पर मिनट आपको तैयार कर लेनी है। आपको दोनों में से कोई एक कराया जाएगा, दोनों नहीं कराया जाएगा। तो अभी तक तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन से वो जान लिए कि आप इंटर के साथ में टाइपिंग वाले बंदे होने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ हम जानते हैं, यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेशन है, एनसीसी सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं, एनसीसी आपने किया है उसका सर्टिफिकेशन है, उसमें भी आपको अच्छा खासा इसमें बोनस मार्क मिलने वाला है, इंसेंटिव मार्क्स मिलने वाला है। तो क्या कैसे मिलेगा, देखिए इस एरिया को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% एग्जामिनेशन मार्क्स में बोनस मिलेगा, यानी कि आपको कुल जो मार्क्स है एग्जामिनेशन में उसका 5% आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट से ही आपको मिल जाएगा, बिना एग्जाम में आप बनाए हुए पढ़े लिखे ही, यानी कि आपको 5%। कहने का मतलब यदि आप 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 नंबर आपको सी सर्टिफिकेट से मिल जाएगा, यदि आप बी किए हुए हैं तो आपको 3% मार्क्स आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको मिलेगा, यानी कि आपको और लोग यदि एग्जामिनेशन में कट ऑफ में से मान लीजिए 70 कट ऑफ किया है, यदि आप सी होल्डर हैं तो वहाँ 65 नंबर ही लेकर के आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 5% आपको ये एनसीसी सर्टिफिकेट आपको दिला देगी। यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो भी आपको 2% का यहाँ पर इंसेंटिव मिल जाता। कहने वाली बात है कि यदि आप एनसीसी का कोर्स किए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। लेकिन एक समस्या है कि इसमें टाइपिंग है, यदि टाइपिंग आपको नहीं आती है तब समस्या है, लेकिन अभी भी टाइपिंग टेस्ट आते आते बहुत समय है। यदि अभी भी आप टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं कोई भी अंग्रेजी या हिंदी, तो शायद 2 महीना में 3 महीना में अच्छा खासा आपका स्पीड बन जाता है। तो यह फॉर्म आपके लिए जरूरी है, क्योंकि लेकिन बड़ी बात है कि फिजिकल और एग्जामिनेशन, तो आपको फिजिकल यदि आप इस विभाग से जुड़े हैं तो आप पक्का करते ही होंगे, एग्जाम में आपको ये छूट दिला देगी आपका ये एनसीसी का सर्टिफिकेट, यदि किए हैं तो उसका एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना आपको। उसके अलावा एक और बड़ी बात है, ये देखिए क्या बड़ी बात है, इसको भी समझते हैं ये चीज़ है क्या। यहाँ भी आपको इंसेंटिव मार्क्स मिलने, एडिशनल मार्क्स आपको मिलने वाला है। यदि आप इंटर से ऊपर पढ़े लिखे हैं, यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि बीए एमए यानी कि एमएससी बीएससी कुछ भी किए हैं, यदि आप डिग्री या फिर आपके उस इसके ऊपर के आपके पास डिप्लोमा कोई है तो आपको इसके लिए फ़ायदा मिलने वाला। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, क्लास ऑब्टेन इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यदि दोनों में से कोई भी है आपके पास, यदि इंटर पास करके आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो आपको इसमें बोनस फिर से मिलने वाला है। डिस्टिंक्शन मार्क्स यदि आप पास किए हैं आपको तो 5%, यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स कहाँ से होता है, 75 से ऊपर। इसके अलावा फर्स्ट क्लास यदि आप पास किए हैं
आपको 4% का इंसेंटिव, सेकेंड क्लास किए हैं तो 3%, यदि आप सिर्फ पास हैं तो 2% का इंसेंटिव। यानी यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको इसके लिए अच्छा खासा आपका बोनस मिलने वाला है। नहीं कुछ हो, नहीं डिस्टिंक्शन हो, यदि आप सेकंड डिवीजन भी हैं तो आपको 3% का मार्क्स मिल रहा है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको 4% का मार्क्स मिल जा रहा है। यदि आपके पास सोचिए एनसीसी और प्लस में ये ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो 5 नंबर उधर से आपको और 4-5 नंबर इधर से आपको मिल जाएगा। तो सोचिए आपको 9-10% मार्क्स तो यूं मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, उसमें से आपको कट ऑफ जाता है 60 का, तो आप यदि 50 ही एग्जाम में लाते हैं तो आपका ये रिटर्न निकल जाता है, आपका मेरिट बन जाता है। क्योंकि इसमें आपको एनसीसी और साथ में जो अपर जो ये क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, इसका आपको एडवांटेज मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। यदि आप इस तरह के हैं लोग तो अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिए। इसमें आपको फ्री में समझिए आपको ये 9-10 नंबर मिल जाने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी तो 100 रुपया मात्र है, जो कि जनरल और ओबीसी के लड़के के लिए, इसके अलावा सबके लिए फ़ी नहीं है। यदि आप कोई भी कैटेगरी के लड़की हैं तो फ्री है, और यदि SC ST के लड़के हैं तो भी फ्री है, उसमें भी कोई पेमेंट नहीं लगना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि हमने बताया है कि इसमें आपको सिलेबस वगैरह के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सिलेबस में क्या है, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मॉडल रिक्रूटमेंट नंबर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एनसीसी बाय एसएससी, यानी कि ये जो है कंप्यूटर के ऊपर एग्जामिनेशन होना है, जो कि एसएससी के द्वारा ली जाएगी। एसएससी के द्वारा 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन आपसे लिया जाएगा। फिजिकल इंड्योरेंस आपका क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका 25 मार्क्स का मात्र होना है, चाहे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक। कंप्यूटर जो है फॉर्मेटिंग बाय दिल्ली पुलिस, ये आपका क्वालिफाई करने के बाद, ये तो बात। उसके बाद टाइमिंग इसका 90 मिनट का, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा का समय दिया जा रहा है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यानी कि 1 मिनट के हिसाब से भी कम आपको मिल रहा है समय, ठीक है। क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में आपको सोचिए क्या स्पीड से बनाना है आपको। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है, 2 क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यदि आपको विश्वास है तभी इसके अटेम्प्ट को करें, नहीं तो मत करें। उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपको 20 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं 20 मार्क का। उसके अलावा पार्ट बी में आपको देखा जाए तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिल रहा है, बेसिक जो स्किल है आपको, उसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसके अलावा आपको जनरल इंटेलिजेंस जो है आपका, जनरल इंटेलिजेंस में आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए इंग्लिश में, वो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। सिलेबस में ये भी बहुत भारी चीज़ होता है SSC वाले के लिए। उसके बाद पार्ट ई में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, और उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन स्किल जो भी है, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर पे काम करने के लिए आपको आते हैं। ऐसे आपको नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कुल मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन 100 जो मार्क्स के होने वाले हैं, 90 मिनट में आपको बनाने हैं। डिटेल्स से यदि इसके इसके बारे में बात करें, देखिए यहाँ पर डिटेल्स में भी सिलेबस दिया गया है। देखिए जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कंसर्न, यानी कि जो भी चैप्टर है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एटीट्यूड जो है इसमें आपको देखिए क्या सब है, वही प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, देखिए अंडर 10th के जो भी मैथ है वो आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस की बात करें यहाँ पर सी में, तो यहाँ पर भी देखिए आपको स्पष्ट एनालॉजी है, सिम्बॉलिक है, नंबर एनर्जी है और फिगरल एनालॉजी है। इसके अलावा बहुत सारी है, इसमें विजुअल मेमोरी है, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, रिलेशनशिप वगैरह है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करें तो इंग्लिश में भी आपको बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए इसमें, जो भी आपको बेसिक में होना चाहिए, कन्वर्सेशन वगैरह आपको इसमें होनी चाहिए, क्लोज पैसेज वगैरह इसमें आपको पूछे जाएंगे, कंप्रिहेंशन वगैरह इसमें पूछे जाएंगे आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब, कन्वर्सेशन, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह आपको पूछे जाएंगे इसके चैप्टर में। उसके बाद कंप्यूटर के जो सेक्शन जब आते हैं कंप्यूटर टेस्ट का आपको ई नंबर में, तो देखिए वहाँ पर क्या है,
एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड में आपको बिल्कुल अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा पावर पॉइंट, उसके बाद एमएस एक्सेल में आपको बिल्कुल अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एमएस एक्सेल की जानकारी अच्छी खासी इसमें होनी चाहिए, और वर्ड की, ये दो तो आप ढंग से इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद ईमेल रिसीविंग सेंडिंग हो, वेब ब्राउजर पर काम करने के लिए आपको आता हो, ये सब आपको ज़रूरी है। WWW के ऊपर आप काम किए हैं तो ये भी नॉलेज आपको ढंग का इसमें होना चाहिए, इससे 10 नंबर आपको आने वाले हैं। तो इतने सारे जो भी सिलेबस है इसको आप तैयार कर लेंगे, शायद आपको दिक्कतें नहीं आएगी। मेरे समझ से यदि आपको इंग्लिश वीक है तो फिर समस्या आएगी, यदि कंप्यूटर नहीं आती तो फिर समस्या आएगी। तो इससे आपको 25, 10, 35 नंबर के क्वेश्चंस दोनों से रहने होते हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप उन दोनों सेक्टर को आप फोकस करके तैयारी करें, आपका सब बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन NCC और जो इंटर से ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो लोग को तो समझिए फ्री में 8-10 नंबर मिल जाने वाले हैं। तो वो लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अप्लीकेशन फॉर्म भी लंबा खासा नहीं है, 100 रुपया मात्र है, और इसके अप्लीकेशन फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर भरें, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। यदि कुछ भी और आपको पूछना है स्पेशली तो मुझे कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित और भी आपको आता है हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपसे इसके लाभ उठाते चलेंगे। धन्यवाद।